बॉलीवुड के सीनियर अदाकार मिथुन चक्रवर्ती की मौत की झूठी खबरें वायरल हो गईं, जिससे इनके मद्दा परेशान हो गए। भारतीय फैक्ट चेक वेबसाइट के मुताबिक इब्तदाई तौर पर मिथुन चक्रवर्ती की मौत की खबरें बाद सोशल मीडिया पोस्ट के बाद फैली, जिनमें झूठा दावा किया गया कि अदाकार फालिज का शिकार होकर चल बसे। रिपोर्ट के मुताबिक अदाकार की मौत की खबरें झूठी हैं, जबकि अदाकार को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया और अब इनकी हालत बेहतरी की जानिब गामजन है। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक मिथुन चक्रवर्ती को कुछ दिन तक अस्पताल में रखने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया था और उनकी सेहत बदस्तूर बेहतरी की जानिब गामजन है। मिथुन चक्रवर्ती को 11 फरवरी को टांग और जिस्म के कुछ हिस्से सुन हो जाने और सीने में तकलीफ के बाइस अस्पताल ले जाया गया था, जहां इनके टेस्ट के बाद मालूम हुआ था कि इन्हें फालिज का अटैक हुआ है। मिथुन चक्रवर्ती चंद दिन कबल अस्पताल में रखने के बाद इन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया था और अब वो रूबसेहत है। एक भारतीय गुलूकार ने एक रोज कबल इनसे घर में मुलाकात करने की तस्वीर भी शेयर की थी।